मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं बताने जा रहा हूँ जो लोग नया स्मार्टफोन खरीदते हैं उन लोगों को कुछ ऐसे टिप्स जो कि उनके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और उनके स्मार्टफोन का जो यूज़ करने का तरीका है उसको और अच्छा एनहांस कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो भी लोग फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में स्विच कर रहे हैं या जिनके पास जो पहले के स्मार्टफोन्स थे जो कि उतने ज़्यादा हाईली उसमें मतलब टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, वो लोग अब जो फ़ोन खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में कि आपको किस तरीके का फ़ोन लेना चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और क्या क्या उस फ़ोन में होना चाहिए। आइए दोस्तों, आज कुछ टिप्स बताते हैं जो भी लोग नया फ़ोन लेते हैं उनके लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है, आप जब नया फ़ोन लेते हैं तो आपको जाना होता है सेटिंग्स में और आपको लेना होगा उसका डेटा बैकअप। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेटा बैकअप लेना, रिस्टोर करना। और वो डेटा बैकअप और रिस्टोर किस तरीके से होता है, आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर जाने के बाद आपको बैकअप इस तरीके से लेना है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि एक बार बैकअप जब शुरू हो जाता है तो आपका अकाउंट नंबर से आपके गूगल ड्राइव पर आपका फ़ोन बैकअप प्रॉपर लेता रहता है। तो जब आप पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में स्विच करते हैं तो आपको अपनी वही जीमेल आईडी डालनी होती है गूगल की, जो जीमेल आईडी लास्ट एंड्रॉयड फ़ोन में चल रही थी, और आप वहाँ से पूरे डेटा बैकअप को ले सकते हैं और उसी को रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके कॉन्टैक्ट्स, मेल्स और फोटोज़ वगैरह जो भी सब है वो सब ईजिली वापस आ जाता है। दूसरी टिप्स पर लेकर चलता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी ये टिप है और इसका जो यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं गुम हो गया है, आपने कहीं रखा छोड़ दिया है, आपको पता नहीं है कि फ़ोन कहाँ गया आपका, तो आपको सिर्फ एक गूगल के द्वारा एक वेबसाइट और एक छोटा सा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ आपको लिखना है फाइंड माई डिवाइस। ये आपने लिखा फाइंड माई डिवाइस, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये जो पहला ही आपको ऑप्शन दिख रहा है google.com एंड्रॉयड फाइंड माई डिवाइस गूगल, इसके ऊपर आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद दोस्तों आप जब इसको ऑन करेंगे तो ये आपके फ़ोन की लोकेशन लेगा। अगर आपके फ़ोन में उस समय लोकेशन ऑन है तो बहुत अच्छी बात है, और लोकेशन ऑन नहीं है तो ये आपके फ़ोन में जो सिम होगी और उसमें जो है आपके मोबाइल में कितनी बैटरी होगी, आपका फ़ोन कहाँ होगा, आप उस फ़ोन को रिंग कर सकते हैं, आप उस फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, आप उस फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए फाइंड माई डिवाइस, इसने मेरी आईडी उठा ली है, ये मेरे फ़ोन का इसने टाइप कौन सा फ़ोन है ये ले लिया है, और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है, ये जियो 4G लिखा आ रहा है, 60% बैटरी लिखी आ रही है दोस्तों। अब जो है आप यहाँ पर लोकेशन देने के बाद जो है लोकेशन भी देख सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों आप का फ़ोन मान लीजिए कहीं रखा है और आप उसको प्ले साउंड करना चाहते हैं, तो मैं अभी ये मेरा माइक इजेक करके आपको सुना देता हूँ कि यह आवाज़ किस तरीके से आती है। ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ोन की रिंगटोन होती है उसी रिंगटोन को कवर करती है। तो दोस्तों आपने देखा ये किस तरीके से जो है ये आवाज़ आपने सुनी, ये इस तरीके से फ़ोन जो है वहाँ पर आवाज़ करने लगता है जहाँ भी आपका फ़ोन रखा होता है। इसके बाद आप सिक्योर कर सकते हैं डिवाइस को, यहाँ से लॉक कर सकते हैं और अपने डिवाइस के डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा एक गूगल ने ऑप्शन दिया है फाइंड माई डिवाइस करके, इसको भी आप लोगों को ज़रूर ऑन रखना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, आप लोगों को हमेशा अपने फ़ोन में आने वाले IMEI नंबर को जो है अपने साथ रखना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जब हम अक्सर मान लीजिए आपकी सिम कहीं खो गई है या आपका फ़ोन कहीं पर डिस्प्लेस हो गया है, फ़ोन आपको लगता है कि कहीं चोरी हो गया है, तो आप इसकी मदद से जो है अपने नंबर को भी जो है
IMEI नंबर के द्वारा, ये देखिए यहाँ पर दिया होता है, ये आप देख सकते हैं, कुछ अलग अलग कोड होते हैं, उन कोड के द्वारा भी आप देख सकते हैं, लेकिन अबाउट फ़ोन में आपको IMEI नंबर, अगर आपके पास दो सिम है, दो सिम का स्लॉट है, तो दो ये नंबर आपको यहाँ पर प्रॉपरली शो होंगे। तो दोस्तों ये था दूसरा ट्रिक, आपको ध्यान रखना होगा, इसे आप कहीं पर जो है मैन्युअली फिजिकली लिख कर रख सकते हैं एट ए टाइम, जब आपका फ़ोन अगर कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो। इसके बाद दोस्तों जो चौथा टिप मैं लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी टिप्स है ये भी, आपने अक्सर देखा होगा जब हमारा फ़ोन आता है तो बैटरी ज़रूरी नहीं है कि 100% चार्ज होकर आती हो, अगर वह बिलो 50% चार्ज है तो आपको उसको एक बार पूरा चार्ज करना चाहिए 100%, फिर इसके बाद आपको उसका पूरा यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों एक बार में ही ये पैरामीटर सेट नहीं कर देना चाहिए कि मोबाइल की बैटरी किस तरीके से काम कर रही है, कम से कम 10-15 बार 10-12 बार उस साइकिल को हो जाए, 10-15 बार 20 बार आप उस फ़ोन को अच्छे से चार्ज करके यूज़ कर चुके हों, जब तक वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज ना कर ले फ़ोन को बैटरी, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी जो है किस तरीके से काम कर रही है आपके नए फ़ोन में। तो दोस्तों फ़ोन आने के बाद अपनी बैटरी को ज़रूर 70-80-90% या 100% तक ज़रूर आप लोग चार्ज करें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है अकाउंट सिंक्रोनाइज करने के लिए, आप देख सकते हैं सेटिंग्स में ये सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है अकाउंट एंड सिंक्रोनाइज, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अकाउंट एंड सिंक्रोनाइज जो है ये किस तरीके से होता है, हम प्रॉपर यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी दी होती है, ईमेल आईडी जो आपकी रहती है उस ईमेल आईडी पर जाने के बाद आप इस तरीके से अकाउंट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, डॉक्यूमेंट, ड्राइव, जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल फिट डेटा, पीपल्स डिटेल, शीट्स, टास्क इन कैलेंडर, आप सिंक्रोनाइज को यहाँ ऑन रख सकते हैं ताकि आपका जो है डेटा प्रॉपर जैसा पुराने फ़ोन में चल रहा था उसी तरीके से नए फ़ोन में चलता रहेगा और सारी चीज़ें दोस्तों जो है हमेशा अपडेट रहेंगी। इसके बाद दोस्तों एक जो छठे नंबर पर जो ट्रिक है वह भी मैं आपको बता दूं, जब आपका फ़ोन आता है तो अक्सर हम लोग फेस लॉक लगाते हैं, स्पेशली फेस लॉक का बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज़ से फेस लॉक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है मोबाइल फ़ोन्स में, कुछ कुछ मोबाइल फ़ोन्स के कैमराज ऐसे होते हैं कि अगर सामने वाले की आँखें भी बंद हैं तो भी वो फ़ोन अनलॉक हो जाता है, तो कई सारे ऐसे रीजंस हैं, लेकिन इन सब से बचने के लिए आपको जो करना है, आपको करना है दोस्तों आपको जाना है आपके फिंगरप्रिंट पे, क्योंकि आजकल फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत आते हैं, चाहे वो इनबिल्ट आते हों चाहे बैक में आते हों बॉडी में, तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक से ज़्यादा फिंगरप्रिंट का जो है आपको यूज़ करना है, एक से ज़्यादा फिंगरप्रिंट आप लगा सकते हैं, आप दोनों थंब लगा सकते हैं या एक से ज़्यादा आप फिंगर्स को लगाएं। मान लीजिए कभी आपकी फिंगर में चोट आ गई है या कुछ कारण है या मान लीजिए जैसे और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, तो आप एक से ज़्यादा फिंगर्स को ऐड कर सकते हैं ताकि आपको जो है लॉक को ओपन करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी दोस्तों बताना, लेकिन फिर भी टेक्निकल लिहाज से ये बताना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद दोस्तों जो सातवीं हमारी टिप्स है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपने देखा होगा बहुत सारे चाइना के जब फ़ोन आते हैं और भी आजकल तो लाइन लगी है फ़ोन्स की, उन फ़ोन्स में दोस्तों होता क्या है, जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, जो आपके ऐप्स आते हैं, काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जो कि अनयूज़ होते हैं, हम उनका कोई यूज़ नहीं करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल फ़ोन की तरफ से आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के एप्लीकेशंस आते हैं, जिन एप्लीकेशंस का आप यूज़ नहीं करते हैं उनको आप सबसे पहले जो है अनइंस्टॉल कर दीजिए, उन्हें अनइंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपका डेटा खाते हैं, बैटरी भी खाते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस भी चल रही होती है, आपका प्रोसेसर भी प्रोसेस कर रहा होता है उन सारे एप्लीकेशंस को, तो उस तरीके के एप्लीकेशंस को आपको जो है अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आठवां और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा लास्ट जो टिप्स है, बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है जब मैं लोगों के मोबाइल फ़ोन्स देखता रहता हूँ, वो बड़े से बड़े गाना, वीडियो और ज़माने की चीज़ों को जो है डाउनलोड करने में बिल्कुल देरी नहीं करता है, लेकिन जब बात आती है प्राइवेसी की या हम कह सकते हैं सिक्योरिटी की बात आती है, सिस्टम मैनेजमेंट की बात आती है, और वहाँ पर जो है दोस्तों जितने भी हम कह सकते हैं ये सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, छोटे छोटे डिवाइस अपडेट्स आते हैं, उन डिवाइस अपडेट्स को जैसे सिस्टम अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर ही कुछ इस तरीके के, जैसे नीचे लिखा है देखिए, द सिस्टम इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन,
जब आपके मोबाइल फोन्स के कुछ अपडेट आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये अपडेट करने क्या वाला है, क्या इससे कैमरा अच्छा होगा, क्या म्यूजिक अच्छा होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके फ़ोन में आने वाले हर अपडेट को, हर सिक्योरिटी अपडेट को ज़रूर आपको जो है अपडेट कर लेना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो पुराना वर्जन होता है कंपनी उस वर्जन से अपना सपोर्ट हटा लेती है, और सपोर्ट हटाने के बाद ऐसे लूप होल्स तैयार हो जाते हैं जिसमें भी जो हैकर्स होते हैं वो ईजिली आपके डिवाइस तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं होता है। इसीलिए कंपनी आपको रिकमेंड करती है कि जो भी अपडेटेड डिवाइस में सिस्टम पैचेस वगैरह आ रहे हैं उन्हें आप जल्द से जल्द अपडेट करें, उन्हें आप इग्नोर ना करें। आप कैसे भी वाईफाई या आपके डेटा का यूज़ करके उसको जल्द से जल्द अपडेट करते रहें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी नए फ़ोन यूज़र्स हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।